ए नंबर क्या है हमारा फिफ्थ, एक बार देखिए, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, ठीक है, उस सम इज 8। तो मैंने फिफ्थ क्वेश्चन में यूनिट डिजिट को एक्स माना, तो बेटा टेंथ प्लेस डिजिट क्या होगा, जल्दी बताओ। टेंथ प्लेस जो डिजिट होगा, क्योंकि दोनों नंबर डिजिट्स का सम बेटा 8 है, तो टेंथ प्लेस डिजिट क्या होगा, 8 माइनस x होगा, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबको मालूम है, 10 × 10th प्लेस करना पड़ता है। 10th प्लेस डिजिट हमारे पास 8 माइनस x है, प्लस यूनिट प्लेस करना पड़ता है, प्लस x करना पड़ता है। तो 10 × 8 80, माइनस 10 × x माइनस 10x प्लस x, तो 80 माइनस 9x हो गया हमारा नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर हुआ है ये। 80 माइनस 9x क्या हुआ बेटा, ओरिजिनल नंबर। फिर वो क्या कह रहा है, इसमें अगर आप 18 ऐड कर देते हो, इस 80 माइनस 9x जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, इसमें जब आप 18 ऐड कर देते हो तो डिजिट्स क्या हो जाते हैं बेटा, रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स होने का मतलब यूनिट वाला टेंस पे, टेंस वाला यूनिट पे। तो यूनिट वाला जब टेंस पे आएगा, जब एक्स टेंस पे जाएगा, तो नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म 10x प्लस 8 माइनस x जो टेंस पे था वो यूनिट पे आ जाएगा। 8 माइनस x × 1 भी करना पड़ता है, वो दिखाने की जरूरत नहीं होती। बस अब इस इक्वेशन को, नॉर्मल सी बात है, आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके 18x इज इक्वल टू 90 आ रहा है, चेक करो। ये लो मैं आपको चेक कराता हूँ, देखो बेटा ध्यान से। -9x उधर जाके 10x में ऐड होगा, 19x होगा, लेकिन इधर -x भी पड़ा, तो ये तो हो गया 18x इस तरह, ठीक है। 80 प्लस 18 98 हुआ, और ये जो प्लस का 8 उधर जाके 98 में से माइनस होगा, 90 रह गया। x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू 5 का मतलब यूनिट प्लेस डिजिट जो आ गया ना आपका, वो 5 आ गया, ठीक है। अब यूनिट प्लेस डिजिट 5 आ गया बेटा, तो टेंथ प्लेस 8 माइनस x, यूनिट प्लेस 5 आ गया, तो टेंथ प्लेस 8 माइनस x, 8 माइनस 5 3 आ गया। अब जो नंबर हो गया, नंबर हमारा नंबर क्या है, 10 × हमारा नंबर बनेगा बेटा, क्या बनेगा, 10 × 10th प्लेस डिजिट। तो 10th प्लेस डिजिट हमारा कितना आया, 3 आया। 10 × 3 प्लस यूनिट प्लेस कितना आया, 5 आया। तो ये नंबर हो गया 35। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, क्या हमारा 35 एक्चुअल में आंसर सही भी है या गलत है, आप चेक करके देखो। अब मैं नीचे चेक कर रहा हूं, 35 नंबर है, उसमें 18 ऐड करो। जैसे ही 18 ऐड किया तो कितना मिल गया हमें, 53। क्या 35 को रिवर्स करके 53 आता है, यस। इस क्वेश्चन का आंसर आप 35 लगा के आओगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, क्या 53 भी आंसर ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अगर 53 हमारा ओरिजिनल नंबर हो, उसमें 18 ऐड करो तो वो तो 71 हो जाएगा। डिजिट्स कहाँ रिवर्स हुए, हुए नहीं डिजिट्स रिवर्स। बोलो, ये बात समझ आ गई होगी सबको अब।